हेलो फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग गुड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एडिशन कल इंडिया ने अपना सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था और एज अ कस्टम प्राइम मिनिस्टर इंडिया को एड्रेस करते हैं रेड फोर्ट के रैंपार्ट से कल वेन्यू पर लगभग बीस हजार लोग प्रेजेंट थे और वेन्यू में डेकोरेशन की थीम जी थी जिसकी लीडर समिट अगले ही महीने सेप्टेम्बर में होने वाली है प्राइम मिनिस्टर का ये नेशन को एड्रेस उनकी इस सेकेंड प्राइम मिनिस्टरियल टर्म का लास्ट एड्रेस था उनकी स्पीच के कंटेंट्स में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की बात करें तो वो देश में करप्शन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब कि वंशवाद की, की राजनीति और अपीजमेंट पॉलिटिक्स इनफॉर्मली जिसको बोला जाए तो रेवड़ी कल्चर उसको खत्म करने की बात करते हैं वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि उनकी अगली टर्म में इंडिया की इकोनॉमिक रैंक वर्ल्ड के टॉप थ्री में इंक्लूडेड होगी और इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इंडिया की करंट इकोनॉमिक रैंक क्या है वो मणिपुर की सिचुएशन को एक बार फिर से एड्रेस करते हैं और इस बार पार्लियामेंट से बाहर और बोलते हैं कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं मणिपुर में शांति लौटाने के लिए वो ये भी बोलते हैं कि देश में फार्मर्स को गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट कर रही है और इसका एग्जाम्पल वो देते हैं फार्मर्स को मिल रही यूरिया के सब्सिडाइज प्राइस से वो बोलते हैं जहां दुनिया में हर जगह पर यूरिया का एक बैग तीन हजार तीन सौ रुपए का मिल रहा है वो गवर्नमेंट की 2015 में लॉन्च की गई मुद्रा स्कीम के अचीव्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल्स को भी हाईलाइट करते हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्वनिधि स्कीम को भी हाईलाइट करते हैं 2020 में लॉन्च की गई ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स को कम इंटरेस्ट पे लोन्स देती थी ताकि वो कोविड से हुए इम्पैक्ट से इकोनॉमिकली उभर पाए अगर इस बीच में अनाउंसड स्कीम्स की बात करें तो वो एक विश्वकर्मा स्कीम को अनाउंस करते हैं ये स्कीम ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जैसे कि वीवर्स गोल्ड स्मिथ्स धोबी बार्बर्स वगैरह को कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट कर सकें वो देश के अर्बन एरियाज में रह रहे गरीब लोगों के लिए एक हाउसिंग स्कीम भी अनाउंस करते हैं और वो देश में ऑपरेट कर रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रहे वुमेन को ड्रोन चलाने और उसको रिपेयर करने से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाने की भी एक स्कीम अनाउंस करते हैं और वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का गोल है देश में दो करोड़ लखपति दीदीज बनाने का और वो ये भी बोलते हैं कि फिलहाल देश में ऑपरेट कर रहे दस हजार जन औषधि केंद्र को बढ़ाकर आने वाले समय में पच्चीस हजार कर दिया जाएगा हमारी यह अगली न्यूज एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है और यह इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से डेली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोलते हैं कि सिर्फ दिल्ली, पंजाब या सिर्फ कुछ गिने चुने स्टेट्स में ही नहीं पर पूरे देश में हर एक सिटीजन को

तमिलनाडु के सीएम एम एम के स्टेलिन ने अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेवेंड्यूल में एजुकेशन जो फिलहाल कॉन्करेंट लिस्ट में है उसको स्टेट लिस्ट में इंक्लूड कर देना चाहिए उनकी इस बात का कॉन्टेक्स्ट है नीट एग्जामिनेशन और बाकी और सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन जिनके खिलाफ तमिलनाडु गवर्नमेंट काफी समय से प्रोटेस्ट कर रही है और उनको करके स्टेट बेस्ड एग्जामिनेशन एस्टेबलिश करना चाहती है अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको पता है कि एजुकेशन सब्जेक्ट ओरिजिनली स्टेट लिस्ट का पार्ट था और उसको एक हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में काफी कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे और उसमें एक मेजर चेंज ये भी था एजुकेशन सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर करना I have already emphasized the importance of 42nd and 44th amendments. I hope you have already studied them by now. कल हमने हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश से इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स की बात की थी हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी सीवियर रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स की वजह से सिचुएशन और वर्स हो गई है वहां पर काफी रेजिडेंशियल हाउसेस कोलैप्स हो गए हैं और उनके नीचे दबकर कई लोगों की जान चली गई है उत्तराखंड की मेजर रिवर्स अलकनंदा मंडाकिनी गंगा अपने डेंजर मार्ग के काफी क्लोज पहुंच गई हैं और गवर्नमेंट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही चार धाम यात्रा को भी सस्पेंड कर दिया है उन स्टेट्स में रिवर के बड़े लेवल का एक इंपैक्ट डेली में भी दिख रहा है जहां पर काफी समय से बारिश ना होने के बावजूद भी यमुना का लेवल डेंजर मार्ग के काफी क्लोज पहुंच गया है ये न्यूज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है और इसका कॉन्टेक्स्ट है मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट जिसमें उन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बॉर्डर पर सिचुएटेड लगभग पांच सौ फैमिलीज को वहां से हटाकर कहीं और रिलोकेट करने के ऑर्डर दिए हैं ये ऑर्डर्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो एरियाज वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के एक मेजर कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स पर लोकेटेड हैं और ह्यूमन प्रेजेंस से वहाँ के वाइल्ड लाइफ को नेचुरल माइग्रेशन मूवमेंट करने में हिंडरेंस हो रही थी तमिलनाडु का ये विलेज थेंगू मरहाडा मुदुमलाई सत्यमंगलम और नीलगिरी बायो रिजर्व के और मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के पास लोकेटेड है इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको नीलगिरी बायोस्पेयर रिजर्व उसके कॉम्पोनेंट्स और उसकी मेजर फोना का पता है अगर आपको नहीं पता तो आप उसके बारे में पढ़ लें यह एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और इस टॉपिक पर हमने अपने लास्ट दो एडिशन में बात की है तो एल में इंडिया और चाइना के बीच बची हुई लोकेशन पर रेजोल्यूशन के लिए चौदह अगस्त को कमांडर लेवल टॉक्स का नाइनटीन्थ राउंड हुआ था अब इस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है कि दोनों साइड्स के बीच में हुई वो मीटिंग काफी पॉजिटिव थी और दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि बची हुई लोकेशंस जैसे कि दिपसांग और देमचौ रीजन में जल्द से जल्द रेजोल्यूशन अचीव करने के लिए काम किया जाए अब इस मीटिंग के आउटकम से ग्राउंड रियलिटी पर क्या इफेक्ट होता है इसको हम फॉलो करते रहेंगे ये न्यूज भी है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन डब्ल्यू और कुछ लोकल एजेंसी ने मिलकर एक मेजर बर्ड सर्वे किया है और एज अ रिजल्ट डिक्लेयर किया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दो बर्ड स्पीशीज को, करता endangered, endangered तो, तो, eagle, को होस्ट करता है और इन स्पीशीज में कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड कुछ एंडेंजर्ड और कुछ वर्नरेबल स्पीशीज भी हैं जिम कॉर्बेट की मेजर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो व्हाइट रंप्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर वहां पर पाई जाती हैं। वहां की एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो पालास फिशीगल इजिप्शियन वल्चर को जिम कॉर्बेट होस्ट करता है और वल्नरेबल स्पीशीज की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल जिस पर पहले प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ग्रेट स्लेटी वुड पैकर और ग्रे क्राउंड प्रीमियम यू एज एन एस्पिरेंट इन द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन ऐसे की गई मेजर स्पीशीज उनके हैबिटेट रेंज और उनके आईसी स्टेटस को साथ साथ अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहें और जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था आई होप आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में इंक्लूडेड एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया होगा यह न्यूज है इकोनॉमिक्स से और यह न्यूज अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसका रिलेटेड टॉपिक माइल्डली इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल कंट्री से हो रहे डीजल एक्सपोर्ट्स और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ए के एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल टैक्स इंपोज कर दिया है अब क्या आपको पता है कि विंडफॉल प्रॉफिट्स क्या होते हैं विंडफॉल प्रॉफिट्स ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो कि सिचुएशन की, की वजह से हुए हों ना कि बिजनेस में लिए गए डिसीजंस की वजह से जैसे कोविड पेंडेमिक के समय पर इनिशियल समय में सैनिटाइजर्स की सेल या फिर उसी समय पर ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज की देखी गई ग्रोथ या फिर क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में हुई ग्रोथ वगैरह फ्रेंड्स द हिंदू न्यूज में आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से डायरेक्टली रेलिवेंट कोई एडिटोरियल या कोई एक्सप्लेनर पीस नहीं है इसलिए आज के एडिशन में भी कोई एडिटोरियल या एक्सप्लेनर पीस नहीं है हाउएवर आई सजेस्ट यू टू हैव अ लुक योर और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो आप वो जरूर पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर टू डिफरेंस सी यू टुमोरो इन द नेक्स्ट एडिशन